भौतिक राशियाँ एवं मात्रक, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, इन्हें आप लोग देखिए। द्रव्यमान, पहला नंबर है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम, और इसे हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। दूरी विस्थापन, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं या एस से भी करते हैं, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, और मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं। समय, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड से जो है एस से प्रदर्शित करते हैं। चाल, चाल को एस से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, और इसे हम m/s से प्रदर्शित करते हैं। वेग, वेग का मात्रक वी, वेलोसिटी से कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और इसे m/s से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण, त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसे a से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात इसे हम m/s² के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगला है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी इसे बोलते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों के मात्रक सेम होते हैं। इसी प्रकार चाल और वेग के मात्रक भी सेम होते हैं, मीटर पर सेकेंड। बल, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसका मात्रक न्यूटन होता है, और बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन को कैपिटल एन से। दाब प्रणोद, दाब प्रणोद को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अर्थात n/m². संवेग, संवेग को मोमेंटम कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kg/m². भार, भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं, इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक नियतांक, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका इसको जो है n/m² / kg² से प्रदर्शित करते हैं। कार्य, कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जूल होता है, इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा, ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं, इसे H से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक कैलोरी होता है, इसे CAL से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वाट होता है, इसे भी W से प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि, ध्वनि का मात्रक, ध्वनि को इंग्लिश में साउंड कहते हैं, इसका मात्रक S होता है, मात्रक डेसिबल, और इसका जो है dB से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे N से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, HZ। आवर्तकाल, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं इंग्लिश में, इसको T से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकेंड, इसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में जो है वेवलेंथ कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा का चिन्ह है, और इसका मात्रक मीटर होता है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें सब आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।